हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ब्लॉग चैनल। तो दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, आपको पता ही होगा, हाल ही में यूके के अंदर इलेक्शन हुए थे जिसके कारण ऋषि सुनक की पार्टी हार गई थी। क्योंकि यार लोगों को लगता था कि ऋषि सुनक इमिग्रेशन के खिलाफ है, इमिग्रेशन को स्टॉप करना चाहता है, क्योंकि बीच में ले भी थे कि PSW बंद कर देंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, ऋषि सुनक के इलेक्शन में ऋषि सुनक की पार्टी हार गई है और एक नई पार्टी पावर में आई है जिसे कहते हैं लेबर पार्टी। और लेबर पार्टी के पावर में आते ही उन्होंने एक नया काम करा है, उन्होंने 2025 के लिए बजट बनाया है, अप्रैल 2025, जिससे कि मतलब 31 नवंबर उन्होंने बजट बनाया है। तो यूके के अंदर जो भी पार्टी होती है वो अपना बजट बनाती है, वो पूरे साल चलते हैं। और जो उन्होंने इस बार का बजट बनाया है नवंबर 2024 में, वो इम्प्लीमेंट होगा अपना नवंबर 2025 में। और इस बजट के अकॉर्डिंग इन्होंने बहुत सारे मेजर चेंजेस करे हैं जो लाइक बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाले इमिग्रेशन को, NI स्टूडेंट को और जो भी लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, जो स्टूडेंट जनवरी में आ रहे हैं या जो सितंबर में आ चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। क्योंकि इस टाइम उन्होंने लाइक बजट में 2-3 चीज़ें ऐसी बताई हैं जो मेजर इफेक्ट कर सकती हैं आपको और आपकी फ़ीस को लेके। क्योंकि इस टाइम उन्होंने वेजेस रेट बढ़ा दी है, उन्होंने एक बजट में रखा है 2025 से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। पहले आपका जो कैटेगरी वाइज वेजेस रेट है 21A से जो प्लस लोग थे उनका वेजेस रेट था 11.44, वो चेंज करके स्टैम 12.21 कर दिया है, मतलब 75 पैनी इंक्रीज़ कर दिया है। यार इससे कहीं ना आपकी जो फीस स्ट्रक्चर होगा, जो आप फीस आने की सोचते हो PSW के लिए, बहुत चीज़ों बहुत फ़र्क पड़ेगा। एंड एक मेजर चेंज जो उन्होंने करा है, जो 21 से बिलो लोग एज थे उन्होंने करा है, जिसका 8.5 था जो आपका कहते हैं मिनिमम वेज रेट, वो करके उन्होंने 10 पाउंड कर दिया, सीधा 10 पाउंड की इंक्रीमेंट। तो दोस्तों, कोई छोटा इंक्रीमेंट नहीं है, बहुत बड़ा इंक्रीमेंट है। एंड यार कई और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, बट ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो मेजर टॉपिक तो यही है कि यार इन्होंने ये वेजेस रेट चेंज करे हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं टैक्स बढ़ाए हैं और ये सोच भी रहे हैं कि जो एयर रेट हैं और जो लाइक ट्रेन है वो बढ़ चुके हैं। जो भी लोग लाइक मतलब ट्रैवल करते हैं बस से ट्रेन से, उनको कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ना पड़ेगा। तो एक बैड न्यूज़ भी कह सकते हो कि बसों के ये बढ़े हैं। एंड सेकंड थिंग ये कि इन्होंने, हम जो इस वीडियो में मेन बात करना चाहते हैं वो लिविंग रेट के ऊपर, वेज रेट के ऊपर, जो मिनिमम वेज रेट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक गुड न्यूज़ है, ये बढ़ चुके हैं 11.44 से आपका वेट होगा 12.21। जो भी लाइक 21 से अबव एज वाले लोग थे उनके लिए ये चीज़ इंप्लीमेंट हुई है। एंड सेकंड थिंग ये यार, ये कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि यूके के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रही है, लोगों के मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इनको ये चेंज करना पड़ा। ज़रूरी नहीं कि उन्होंने अच्छाई के लिए करा, क्योंकि देखो अगर ये बसों के रेट बढ़ाते तो कहीं ना कहीं आपकी वेजेस पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। जो फीस निकालने की सोचते हो, जो आप सोचते हो कि यार हम कुछ पैसे सेव करें, सेविंग के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। यार वेज रेट बनाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हाँ बहुत अच्छी बात है, हमें ज़्यादा सेविंग होगी, नहीं, कहीं ना कहीं खर्चे भी बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है। एंड अगर हम 21 से कम एज वाले लोगों की बात करें, जो लाइक 8 से 10 ईयर 19-20 के आस में होते हैं, उनको आई थिंक मिनिमम वेज रेट मिलती है 8.5 की। उनको जो भी स्टूडेंट, जो भी NRI, जो भी लोग 18 से 19-20 एज के बिलो में होते हैं, उनको वेज रेट मिल जाती है 8.5, जो कि अब चेंज कर दी गई है। बिग मेजर चेंज हुआ है, वो स्टैम्प कर दी गई है 10 पाउंड, सीधा 1.5 पाउंड का चेंज इन्होंने करा है। ये छोटा चेंज नहीं होता, इससे पहले इन्होंने कभी नहीं करा। पिछली बार मेरे ख्याल से इन्होंने 1 पाउंड के आसपास का कुछ चेंज करा था, लेकिन इस बार उन्होंने 1.5 पाउंड चेंज करा। 10 पाउंड कम नहीं होते, मतलब अगर आप सोच लो आप एक साल का फर्क हो गया, सीधा आपको 12.21 मिलेंगे। क्योंकि यार आप कहीं ना कहीं अच्छा काम कर पाते हो, थोड़ा बड़े हो जाते हो, तो इनका ये मेन मोटिव है जो उन्होंने वेज चेंज करा यार। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो पहले ग्रोसरी हम करते थे वो 100 पाउंड में इतनी आती थी, अब 100 पाउंड में बहुत कम आती है। तो कहीं ना कहीं यार इन्फ्लेशन भी यूके में देखना पड़ रहा है और ये वेजेस भी बढ़ा रहे हैं। टैक्स भी बढ़ाने की बात कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने बोला था NI स्लेब वैट के ऊपर हम भी थोड़ा कोई टैक्स बढ़ाएंगे, लेकिन अभी तो कन्फर्मेशन नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं यार बहुत सारी चीज़ें जो मेजर चेंज करने वाली है। लेकिन यार मेरे को इस वीडियो में सिर्फ आपको मेन टॉपिक ये बताना था कि लिविंग वेज और जो मिनिमम वेज रेट होता है वो उन्होंने बढ़ा दिए हैं, और ये गुड न्यूज़ भी है कि आपको कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट होगा। यार कुछ ना कुछ आपका फीस स्ट्रक्चर से ऊपर कुछ ना कुछ रिलेटेड होगा। अगर आप 10 घंटे सिक्योरिटी में कोई भी काम कर रहे हैं, NI पे काम कर रहे हो, तो 10 घंटे कर रहे हैं, आपको पहले 11 पाउंड के आसपास मिलते हैं टैक्स वैक्स करके, अब आपको वही 12 पाउंड के आसपास, मतलब 120 पाउंड, 10 पाउंड का आपका इंक्रीमेंट हुआ है। ये छोटा आपको लगेगा कि छोटा है, यार डे बाय डे आपको शायद फर्क ना पता चले, लेकिन महीने महीने में, हफ्ते हफ्ते में आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा हो सकता है आपके भाई छोटा अमाउंट। जो लोग लाइक बहुत मिनिमम वेज रेट पे काम करते थे, जो 21 साल के आसपास थे, उनकी जो वेज रेट बढ़ी है, अच्छी न्यूज़ है। तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आप कहीं भी काम करते हैं। अगर आप कैश पे काम करते हैं तो शायद आपको कुछ इतना बेनिफिट ना मिले, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आपकी पे स्लिप में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होगा। आप उनको बोल सकते हैं कि अब वेज रेट बढ़ गया तो बढ़ा दो। मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, फ़ायदा होने वाला है, लोगों को सेविंग अच्छी होगी। और आजकल वैसे भी यार इमिग्रेशन बहुत आ रही है, बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे हैं, तो सबको बस यही, अगर आपको कोई जॉब चाहिए, कोई रिलेटेड चीज़ हो, नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको लगी कि हाँ ये गुड न्यूज़ हो सकती है,
क्योंकि ये चेंज होगा अप्रैल 2025 से। मैं आपको पहले बता दूँ, नवंबर 2024 में बजट बनाए और ये चेंज होगा अप्रैल 2025 से। अगर लोग उसको आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई भी आपको लगे कि यार कोई ऐसा टॉपिक है जो मेरे को बनानी चाहिए वीडियो, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ यार। बीच में मेरा थोड़ा हो गया था कि मैं नहीं बना पा रहा था वीडियो, मेरे को कोई टॉपिक नहीं था या मैं कहीं बिजी हो गया कहीं चक्कर में, दैट्स मैं नहीं बना रहा था। लेकिन दोस्तों आप यूके में हैं या यूके में आने वाले हैं, ये चैनल आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।